कश्मीर न्यूज ट्रस्ट के वेब पोर्टल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं उमर रैना। नाजरीन, महकमे सेहत की तरफ से जो है बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि लोगों को बेहतर से बेहतर तिबी सहूलियात पहुंचाई जाती है, लेकिन जब ज़मीनी सतह पे हम ये देखते हैं तो ज़मीनी सतह पे कुछ और ही हमें दिखता है। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील गुंड के कुलन इलाके में। नेशनल हाईवे पे एक दहाई कबल यहाँ पर एक इमारत बनाई गई थी, जो हॉस्टल है पीएससी कुलन की, जो पुरानी इमारत है, तकरीबन 50 से 60 साल पुरानी इमारत है और वो भी अब खस्ता हो चुकी है। तो इसीलिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से और यहाँ पर एक इमारत बनाई गई थी पीएससी कुलन, जो नई इमारत है इसके लिए एक इमारत बनाई गई थी ताकि जो दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं उनको बेहतर से बेहतर तिबी सहूलियात पहुँचाई जाए। लेकिन जैसे ही ये मुकम्मल हुई तो उसके बाद इसे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया गया और हॉस्पिटल की जो ये भी अब मुकम्मल तौर पर खाकसर हो चुकी है। तो नाज़रीन, हॉस्पिटल की जो पुरानी इमारत है, पुरानी इमारत तो पहले से ही खस्ता हाल हो चुकी है और वहां पर जो स्टाफ है उन्हें भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और कहा यह जाता है कि अगर हम एवरेज निकालें महीने में जो ओपीडी सेक्शन रहता है तो तकरीबन 1500 से 2000 तक जो ओपीडी सेक्शन है वो हॉस्टल की जो पुरानी इमारत है उसमें रहता है। और यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ कोविड की, और वहाँ पर भी वहीं पर भी वैक्सीनेशन भी की जाती है, ओपीडी सेक्शन भी वहाँ ही है। तो इस वजह से जो हॉस्टल का स्टाफ है उन्हें भी काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। 7.5 करोड़ की लागत से ये जो इमारत है ये नेशनल हाईवे कुलन के मुकाम पर ये तामीर की गई थी, क्योंकि ये यात्रा रूट भी है, बादल के लिए भी यहाँ से ये रास्ता है और श्रीनगर लेह हाईवे भी है, यहाँ से लद्दाख सफ़र करने वाले जो मुसाफिर हैं उन्हें भी यहाँ से जाना पड़ता है। और खुदा ना खास्ता अगर किसी जगह कोई हादसा हो जाता था तो उसे पहले पीएससी कुलन लाया जाता था। लेकिन इसे आप लोगों की बदकिस्मती कहो, एक दहाई से लगभग ये हॉस्पिटल की जो इमारत है ये बेकार पड़ी हुई है। और हॉस्पिटल की जो पुरानी इमारत है, विजुअल्स में आप ये भी देख सकते हो, जो पुरानी इमारत है वो भी मुकम्मल तौर पर अब खस्ता हो चुकी है। और अगर गवर्नमेंट इस पर जो काम है दोबारा शुरू कर रहा है तो उसे पहले इसकी रिनोवेशन करनी जरूरी है, क्योंकि ये डबल इसमें खर्चा अब लगने जा रहा है। इमारत है ये भी मुकम्मल तौर पर खाकसर हो चुकी है, जगह जगह जो है सीमेंट है वो उखड़ गया है, खिड़कियां जो है वो तोड़ी गई है। तो हॉस्पिटल की जो हम पुरानी इमारत की बात कर रहे हैं तो वहां पर काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। जो स्टाफ है वहां पर, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ है चाहे डॉक्टर्स हैं, तो उन्हें नाइट स्टे के लिए भी काफी कम जगह है वहां पर, या पेशेंट्स देखने के लिए भी काफी कम जगह है वहां पर। और इसी वजह से यहाँ पर जो है हॉस्टल की जो ये नई इमारत वो तामीर की गई है। लेकिन हॉस्टल में विजुअल्स में आप ये देख सकते हो कि हॉस्पिटल की जो पुरानी इमारत है ये मुकम्मल तौर पर अब खस्ता हो चुकी है और जगह जगह जो इमारत में अब दरारें पड़ चुकी हैं। तो अगर इस हॉस्पिटल की इमारत को बनाया गया तो इस पर दोबारा काम शुरू क्यों नहीं किया गया, तो ये एक सवालिया निशान है सरकार के लिए कि इसे अधूरा क्यों छोड़ दिया गया। और बताया ये जाता है कि फंडस की अदम दस्तियाबी की वजह से हॉस्पिटल में अभी तक जो है काम मुकम्मल नहीं किया गया है। और खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पर जो है किसी जगह कोई हादसा हो जाता है, कोई डिलीवरी पेशेंट होता है, तो उसे मजबूरन फिर कंगन या तो फिर ललदे हॉस्पिटल रेफर करना पड़ता है। और यहाँ के लोग, मुकामी लोग हैं, उनका कहते हैं कि अगर हॉस्पिटल की यह हॉस्पिटल यहाँ पर लोगों की सहूलियात के लिए बनाया गया था तो इसे बीच में ही क्यों छोड़ दिया गया, इसे अधूरा क्यों छोड़ दिया गया। तो ये एक सवाल है ये लोग कर रहे हैं, हुकूमत से कर रहे हैं कि इस हॉस्पिटल की इमारत को जो है जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि यहाँ के जो दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं इन्हें किसी भी तरह के मुश्किलात का सामना न करना पड़े। खासकर मैं बात कर रहा हूँ विंटर्स की, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और बर्फबारी में यहाँ पर जो है लोग गोंड या कंगन नहीं जा सकते हैं क्योंकि काफ़ी बर्फ़ पड़ती है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर ये हॉस्पिटल, यहाँ पर लोग कई सालों से मांग कर रहे थे यहाँ पर एक नई इमारत दी जाए, और एक अच्छा कदम था गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर जो है बुलंद के मुकाम पर एक इमारत भी, हॉस्पिटल की इमारत भी बनाई गई और इसे जो है मुकम्मल करके लोगों को वाकफ करना था। लेकिन ये लोगों की बदकिस्मती की बात है, फंडस की अदम दस्तियाबी की वजह से करीबन एक दहाई से ये हॉस्टल की इमारत जो है बेकार पड़ी हुई है। तकरीबन ये 7.5 करोड़ की लागत से 50 बिस्तरों वाला जो ये हॉस्पिटल है इसे तामीर किया जा रहा है। फिलहाल कश्मीर न्यूज ट्रस्ट के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।